उद्धव ठाकरे और शरद पवार से के चंद्रशेखर से ने की मुलाकात, दो घंटे की बातचीत। बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की तैयारी। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या, धारा 144 लागू, स्कूल कॉलेज किए गए बंद। हाथरस में कृष्णा यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह राणा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, कार्यकर्ताओं ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया रोड शो, विजय यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, अखिलेश ने कहा लखनऊ ने दिया संदेश आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव का मतदान 14 तारीख को ही हो चुका है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां अभी भी बरकरार हैं। वहीं राजनीतिक दल में अंतर विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी में अभी संजय गुप्ता के विरोधी स्वर की गूंज खत्म नहीं हुई कि अब हरभजन सिंह चीमा ने भी अपने बयानों से पार्टी में खलबली मचा दी है। काशीपुर सीट से विधायक हरभजन सिंह चीमा ने पार्टी के कुछ सिपाहियों को गद्दार कहा। क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मशरूफ हम बहुत हैं, मगर बेखबर नहीं। अब तक खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। उत्तराखंड की राजनीति भी कुछ इसी तरह है। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों भूचाल सा आ चुका है और विधानसभा सीट पर टिकटों को लेकर छिड़े घमासान के बीच दरारें अब तक भरने का नाम नहीं ले रही हैं। काशीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के विधायक हरभजन सिंह चीमा की दावेदारी खत्म होने के बाद पार्टी के सिपाहियों को काफी उम्मीद थी कि इस बार पार्टी किसी नए चेहरे पर दाव खेलेगी, लेकिन विधायक हरभजन सिंह चीमा के बेटे को टिकट देकर बीजेपी में विवादों की फुलझड़ी सुलगने लगी। पार्टी के कद्दावर नेता विधायक हरभजन सिंह चीमा के बेटे त्रिलोक सिंह चीमा को चुनाव लड़ाते हुए दिखाई नहीं दिए। वोटिंग के बाद नाराज विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस वार्ता कर पार्टी हाईकमान से पार्टी के भीतर गद्दारों पर कार्रवाई करने की मांग की। जो गद्दार दिखाई दे रहे हैं, सामने पता लग रहा है कि उन्होंने पार्टी का ओपन होकर के विरोध किया है, तो उनको तो कुछ ना कुछ पार्टी को उनके प्रति सोचना ही पड़ेगा। वहीं विधायक हरभजन सिंह चीमा के इस बयान के बाद विपक्षी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी की हार को बौखलाहट बता रही है। भाजपा के अंदर बहुत अंदर बेचैनी है, झगड़ा है, फट सरफुटोवल है, वो ये दर्शा रहा है कि भाजपा हार रही है। उनको अपनी हार का एहसास हो चुका है, इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने रखी है और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि गद्दारों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो अब पता नहीं वो गद्दार थे या विधायक चीमा जी के 20 साल के विनाश से पीड़ित थे, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल विधायक जी का ये बयान ये दर्शाता है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। विधायक हरभजन सिंह चीमा की प्रेस वार्ता के बाद चीमा की बौखलाहट और पार्टी की आपसी गुटबाजी ने विपक्ष में लड़ रहे विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चेहरे तो खिला ही दिए हैं और चुनावी जीत को लेकर सभी प्रत्याशी अपनी जीत का गणित लगाए बैठे हैं। किसका गणित कितना सटीक बैठता है ये तो 10 मार्च को आने वाला परिणाम ही बताएगा। जनता बता देगी कि 10 मार्च को किसकी गद्दी कहां लगेगी।
में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के नाम पर कागजी खानापूर्ति कर लोगों को इलाज से वंचित किया जा रहा है। ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है तो कहीं अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है, जबकि कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा दुरुस्त किए जाने के आदेश भी दिए गए, लेकिन हुआ क्या, स्थिति जस की तस बनी हुई है। और विधायक निधि की तरफ से अस्पतालों में सुविधा मुहैया कराई गई, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण ज्यादातर अस्पतालों में रखी गई मशीनें धूल फांक रही हैं। ये तस्वीरें आप मंगलौर के अस्पताल की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसकी देख सकते हैं, मशीनें हैं लेकिन मशीनें काम नहीं करती हैं, धूल फांक रही हैं। ये किसकी लापरवाही है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे की असल वजह जो है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। हरिद्वार सीएमओ वहीं मंगलौर विधायक और यहां से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, स्थानीय निवासी भी जुड़ेंगे, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर यहां पर क्यों है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, मंगलौर की तस्वीरें हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर लोग इलाज से वंचित हैं। कोरोना काल में जो व्यवस्थाएं खराब थी उसे दुरुस्त करने के यहां पर आदेश दिए गए, और बताया ये भी जाता है कि विधायक निधि से यहां पर काफ़ी चीज़ें सही की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर मशीनें धूल फांक रही हैं, उनका इस्तेमाल नहीं होता है। क्या यहां पर डॉक्टर नहीं है, क्या यहां पर बेहतर इलाज नहीं है, क्या यहां पर मरीजों को किसी तरह की परेशानी है, ये तमाम बातें आप तक हम रखेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे सहयोगी अकील अहमद मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पहले बताइए ये पूरा मामला क्या है, इस मामले को हम किस तरह से समझें, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है कि किसी अस्पताल से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हो। अलग अलग अस्पतालों से ऐसी तस्वीरें हमें कभी ना कभी देखने के लिए जरूर मिल जाती हैं, क्या वजह है, क्यों मशीनें धूल फांक रही हैं अकील? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां सरकार स्वास्थ्य विभाग के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उसकी जमीन हकीकत कुछ और ही देखने को मिलती है। बात करें मंगलौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, तो यहां एक एक्सरे मशीन है जो करीब एक साल से ज्यादा यहां आ गए रखी हुई है, लेकिन उसकी सुविधा आम जनता को नहीं मिल रही और वहां की धूल फांक रही है। और एक बात आपको बताना चाहूंगा, एक्सरे मशीन का टेक्नीशियन भी यहाँ आ चुका है, सरकार उसको तनख्वाह भी दे रही है, लेकिन जो एक्सरे मशीन है वो सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई है, जिससे जनता को मंगलौर का लाभ नहीं मिल रहा है। और जो मरीज होते हैं उनको एक्सरे कराने के लिए यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर हरिद्वार या तो जो मशीनें यहाँ लगाई, अकेले ये मशीनें यहाँ लगाई गई हैं, इनका इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए ये मशीन जो एक्सरे मशीन थी ये करीब एक साल पहले आ चुकी थी, हमने डॉक्टरों से जो वहाँ के इंचार्ज उनसे भी बात की, उनका यही कहना है कि कुछ अभी इसमें कुछ इसके पार्ट अभी बाकी है, जिससे एक्सरे निकलता है अभी पार्ट वो नहीं आ पाए, लेकिन एक्सरे मशीन और टेक्नीशियन की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन कुछ पार्ट अभी इसके यहाँ नहीं हो, जिससे मशीन सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई और जो मंगलौर क्षेत्र की जनता है उसको यहाँ का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अकेले बताए तो ये जा रहा है कि कोरोना काल में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने के यहाँ पर आदेश दिए गए। विधायक हैं मंगलौर से काजी निजामुद्दीन, उनकी निधि से ये जो अस्पताल के लिए मशीनें आई, तो मशीनें पूरी कंप्लीट क्यों नहीं आई? देखिए जो मंगलौर के विधायक है काजी निजामुद्दीन, उन्होंने कोरोना काल में काफी काम किया था और यहाँ मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बेड मुहैया कराए थे, इसके साथ साथ कुछ और ऑक्सीजन वगैरह भी मुहैया कराए थे, लेकिन जो एक्सरे मशीन है एक्सरे मशीन की सरकार द्वारा दी गई थी। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन भी भेजी गई थी, लेकिन कैप्टनेशन नहीं होने की वजह से उसको वापस कर दी गई, जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या से जुड़ी हुई है, लेकिन उसका फायदा मंगलौर की जनता को नहीं मिलता है, जो मिलना चाहिए था। काफी बड़ा अस्पताल है, लाखों की जनसंख्या जिस अस्पताल से जुड़ी हुई है, लेकिन एक्सरे कोई भी मामलों को जहर बात है एक्सरे की जरूरत पड़ती है, तो एक्सरे कराने की सुविधा मंगलौर और मशीनें झूल ही पा रही है। ठीक है अकेले आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आदिल स्थानीय निवासी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि वो भी अस्पताल में जाते होंगे स्वास्थ्य केंद्र में। आदिल बताइए किस तरह की समस्याएं आप लोगों के सामने हैं?
मुझे आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है मैडम। आदिल, क्या मेरी आवाज अब पहुंच पा रही है आप तक? मुझे आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। चलिए ठीक है, जो भी समस्या आए उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं अपने सहयोगी का रुख करूंगी। अकेल अभी आदिल तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, समस्या को हम सुलझा रहे हैं। उससे पहले आप ये बताइए कि लोगों को कितनी दूर जाना पड़ता है एक्सरे अल्ट्रासाउंड जैसे तमाम चीज़ें कराने के लिए? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अभी कोरोना काल गुजरा है, कोरोना काल सेकंड में जो आम जनता ने काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता, ऑक्सीजन की कमी थी हॉस्पिटलों में, बेडों की कमी थी, और जो मरीज थे जो कोरोना से पीड़ित थे उनको दर दर भटकना पड़ रहा था। लेकिन सरकार ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। विधायक जो मंगलोर अजीजामुद्दीन है अपनी नीति से कुछ बेड, मैं आपको बता चुका हूँ, 10 बेड मुहैया कराए थे, और मंगलोर से आगे है नाथन समाजिक है उसको भी एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कही थी। लेकिन उनका भी यही कहना है कि इनकी जो अधिकारी है कोई बात पूरी भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जब वहाँ आने की एक्सरे मशीन है और उसके कुछ पास थोड़े से पास से वहाँ आ जाए तो उसकी सुविधा आम जनता को मिल सके। और मैं आम जनता जो है यहाँ मंगलोर से करीब 8 किलोमीटर दूर या फिर 33-35 किलोमीटर दूर हरिद्वार है वहाँ जाना पड़ता है, या फिर मोटी रकम खर्च करके प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्सरे कराना पड़ता है। यानी कि सरकारी सुविधाओं से कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है वो वंचित बताया जाता है। अकेल मुझे ये बताइए कि क्या डॉक्टर्स की भी कमी है? क्योंकि जो खबरें सामने आ रही थी उससे ये पता चलता है कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। नहीं देखिए मैं आपको मंगलोर समाजिक स्वास्थ्य से भी बात ही समझाऊँ, मंगलोर स्वास्थ्य में डॉक्टर की तो कमी नहीं है लेकिन कुछ सुविधाएं जैसे कि बात करें तो ये एम्बुलेंस सुविधा होती है, एम्बुलेंस हो गई, तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी सुविधा का अभाव है। लेकिन डॉक्टर अभी मंगलोर स्वास्थ्य केंद्र में पूर्ण है। लेकिन जो एक्सरे की बात करें, एक्सरे मशीन बिल्कुल धूल भाग रही है, 1 साल से ज्यादा हुआ। अखिल जो विधायक जी है, जो विधायक जी हैं, क्या उनको जानकारी है इस बारे में कि उनके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का अभाव है जिसके कारण जो आम जनता है वो दूसरे अस्पतालों का रुख करती है, कई किलोमीटर तक उन्हें जाना पड़ता है एक्सरे जैसे तमाम सुविधाएं लेने के लिए? देखिए मंगलोर के विधायक बात उनको पता तो होगा, उन्होंने अपना काम कर दिया था, उनको जानकारी होनी चाहिए कि मंगलोर क्षेत्र के वो एक मिनट वहाँ के जो CMO है खगेंद्र सिंह और जो मंगलोर विधायक है काजी निजामुद्दीन, इस पूरे मामले को लेकर हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, हम लगातार उन्हें फोन कर रहे हैं लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि वो फोन काट दे रहे हैं, कई बार ऐसा हो रहा है कि फोन नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसी वजह से वो फोन नहीं उठा रहे हैं या फिर वो जान बूझ कर ऐसा कर रहे हैं। मैडम न्यूज वालों चैनल वालों का ही फोन नहीं उठा पाएंगे CMO साहब, तो आम जनता की आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता को समस्या हो, डॉक्टर की समस्या हो या अस्पताल में कुछ समस्या हो तो उनका कैसे फोन उठा पाएंगे। जब हमारा ही फोन नहीं उठा पा रहे हैं, जो अभी मेरे ख्याल से अभी उनकी नियुक्ति भी हुई है कुछ समय पहले ही, मंगलोर समाज स्वास्थ्य केंद्र में भी एक नए अधीक्षक। बिल्कुल बिल्कुल अखिल, इसका मतलब ये है कि CMO को सारी जानकारी है लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने पैर पीछे कर रहे हैं या देख कर भी आंखें मूंद रहे हैं, इसी वजह से वो लगातार हम फोन कर रहे हैं, न्यूज वर्ल्ड इंडिया द्वारा लगातार फोन किया जा रहा है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। आदिल का मैं रुख करूंगी, स्थानीय निवासी है। आदिल क्या मेरी आवाज अब आप तक पहुँच पा रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। आदिल समस्या बहुत ज्यादा है, अस्पतालों में मशीनें लगा दी गई आधी अधूरी जिसकी वजह से एक्सरे अल्ट्रासाउंड हो लोगों को कई किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है, क्या ये सही है? मैं सही बता रही हूँ? नहीं देखिए ये बात अगर ये कहा जाए कि मैं अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर के अधिकारियों की बात करूं तो उन्होंने अपने स्तर से बहुत सही किया है, उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया है, मेरी उनसे एक दो बार बात भी हुई इस मसले पर, तो उन्होंने बोला कि हम अपने उच्च अधिकारियों को तकरीबन 10 बार अवगत करा चुके हैं इस मामले को, 1 साल से हम अवगत ही करा रहे हैं और जो डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क होता है वही कर रहे हैं हम, हर महीने वो कुछ ना कुछ बोल देता है कि आप ये पेपर डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क करके भेज दें हमें, हम वो भेज देते हैं उनको, लेकिन अभी तक CMO की तरफ से या DG हेल्थ की तरफ से। आदिल देखिए अब तो चुनाव भी निकल गया, 14 तारीख को मतदान भी हो गए,
अब क्या पेपर वर्क ही हो रहे हैं, आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी? आप लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो जाते होंगे। आप खुद से देखें, मैं अभी बात सुन रहा था आपके पत्रकार महोदय की, कि तकरीबन 1 लाख की आबादी है यहाँ पर। 1 लाख की आबादी में आप समझिए, यहाँ पर तकरीबन 50% जो लोग हैं वो गरीबी स्तर से नीचे, गरीबी रेखा के स्तर से नीचे जीते हैं। अब उनको उनको ज्यादातर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब आप खुद से सोचेंगे उच्च अधिकारियों की कितनी बड़ी लापरवाही है कि जो 1 साल से वो अपने टेक्नीशियन को देखिए, आप वेतन तो दे रहे हैं लेकिन उनसे काम नहीं ले पा रहे। क्या डॉक्टर्स की कोई कमी है, क्योंकि ऐसी भी तस्वीरें सामने आती है कई बार? डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। आप अगर यहाँ पर देखें, तकरीबन ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभी तकरीबन 10-12 साल से अपने अस्तित्व में आया था, उसके बाद से अगर आप देखें तो उसके बाद से तरक्की बहुत की है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अच्छा, आप ये बताइए आदिल, जैसे अगर कोई दुर्घटना हो जाए या कोई गंभीर रूप से बीमार हो और आप एम्बुलेंस के लिए कॉल कर रहे हैं, तो क्या एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाती है? मैं अब एम्बुलेंस की बात आ गई है, लास्ट टाइम एम्बुलेंस की बात, मैं मेरी पत्रकार महोदय से बात भी हुई थी इस मामले में। मैं आपको सच बात बताया कि विधायक निधि से एक एम्बुलेंस दी गई थी, लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि एम्बुलेंस दी गई लेकिन अब विधायक या कोई भी या जनप्रतिनिधि कोई भी अपने खर्चे से आपको डीजल तो नहीं दे पाएगा ना। ठीक है, अब डीजल के लिए तो उच्च अधिकारियों को जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए था। ठीक है, अब वो धूल ही फाकेगी तो, रही तो यहाँ विधायक से खुश है आम जनता? बिल्कुल, अगर विधायक से खुश नहीं होती, आप खुद से सोचिए, वो तकरीबन 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो विधायक जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं हमारा? ये आपकी ये हो सकता है उनको कुछ काम हो, ऑब्वियसली वो जनता के नहीं, तो पहले से ही बातचीत हो गई थी कि आप लोगों को, आपको हम लाइव लेंगे, तो फिर वो फोन क्यों उठा रहे हैं? अगर उन्होंने सारी व्यवस्था की है, निधि से व्यवस्था की है, विधायक निधि से, और ये भी कहा कि मशीनें भी विधायक निधि से लगाई गई है, तो मशीनें आधी अधूरी क्यों है? ये सच है आधी अधूरी है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक प्रॉपर बात बताता हूँ, विधायक निधि से सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, इंस्टॉलेशन का कोई मसला नहीं हुआ करता। आप मुझे ज्यादा जानते हैं, कमी यहाँ पे ऑपरेटर्स की, ऑपरेटर जो है उनकी कमी है। श्योर, ऑपरेटर्स की, ऑपरेटर की कोई कमी नहीं है, मैं आपको सच बात बताऊँ, ये सिर्फ और सिर्फ CMO डीजी हेल्थ आपका हेल्थ सेक्रेटरी, आप सीधी सी एक बात समझे कि 1 लाख की आबादी पर अगर आप कोई मशीन इंस्टॉल करा रहे हैं, आपने टेक्नीशियन भी भेज दिया, आप उसको सही तरह से इंस्टॉल करा करके उसको एक्टिव कराएं, तो आप लोगों को कितनी दूर तक जाना पड़ता है एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तमाम चीजें जो भी हो? खुद देखें कि 10 किलोमीटर दूर रुड़की है, रुड़की एक रुड़की अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल है। ठीक है, फिर उसके बाद हरिद्वार में है एक हॉस्पिटल है, 2 अस्पताल है, मेला अस्पताल है, जिला चिकित्सालय भी है। अब गरीब जनता, अब आप खुद से सोचिए, जब यहाँ पर अपने जमीन स्तर से आप काम कर चुके हैं, तो फिर आपको, मैं मानता हूँ कि उच्च अधिकारियों की बहुत बड़ी गलती है, उच्च अधिकारियों को ये गलती अपनी सुधारनी चाहिए। चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक आखिरी सवाल अकिल से मैं लूंगी। अकिल, देखिए, अगर स्थानीय निवासियों की हम बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक जी जो भी काम यहाँ पर करवा रहे हैं उनके क्षेत्र में, वो उनसे आम जनता खुश है, विधायक निधि से यहाँ पर मशीनें लगाई गई, लेकिन कमी जो है वो CMO की बताई जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वहाँ के जो CMO है खगेंद्र सिंह, उनसे बातचीत करें और बातचीत करके एक बाइट जरूर हमें भिजवाएं, ताकि हम अपने चैनल पर उसे चला सके। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए, इस मुद्दे को इस तरह उठाने के लिए, क्योंकि मंगलौर की जो आम जनता है वो काफ़ी त्रस्त हो चुकी है, सालों से इस तरह की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, कभी भी उन्हें कोई भी जो लाभ है अस्पतालों में वो नहीं मिल पा रहा है, जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है। मशीनें तो लगा दी गई लेकिन उसके बावजूद भी ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो या और भी समस्या हो, उसको लेकर उन्हें 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो मंगलौर का एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर सुविधाएँ दी गई लेकिन सुविधाएँ फिर भी नहीं मिली हैं, क्योंकि कागजी कार्रवाई की गई है, हकीकत कुछ और ही बयां होती है।
वहीं पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में इन दिनों अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है, नतीजतन हर जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आलम यह है कि कूड़े के ढेर से लोगों का चलना तक दूभर हो गया है। शहर भर में लोग बदबू से परेशान हैं, जिससे गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 58 पर पोस्ट ऑफिस के पास प्रदर्शन कर आक्रोश जाहिर किया। आक्रोशित लोगों ने कूड़े के ढेर के पास बैठकर अपना विरोध जताया। इस प्रदर्शन में श्रीनगर के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर बीपी नेथानी भी मौजूद रहे। कई दिनों से हो रही ये गंदगी पड़ी हुई है, इससे जानवर और ज़्यादा फैला रहे हैं इस चीज़ को, और लगातार जाम भी लग रहा है यहाँ पे। हम भी बड़ी दिक्कत में हैं, गंदगी से बहुत परेशान है, सारा शहर परेशान है। तो हम निवेदन करेंगे प्रशासन से जल्द इस गंदगी को हटा दिया। ये कोई ना कोई महामारी अब लाएगी यहाँ पर। हम कोरोना से पहले से ग्रस्त हैं, अब इंतजार ही कर रहे हैं दूसरी महामारी का। हम लोग विगत 8 वर्षों से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, अब बिना किसी पॉलिटिक्स के, इसमें किसी पार्टी का दखल नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से, एक मोदी जी ने एक कार्यक्रम दिया था कि यदि आप स्वच्छ रहोगे तो स्वस्थ। वहीं जालौन में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के हरिपुरा में तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। वहीं टक्कर से बाइक सवार 2 भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ की 5 विधानसभा सीटों के लिए रोड शो कर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। रोड शो में अखिलेश यादव अपने रथ पर सवार होकर जब पुराने लखनऊ में पहुंचे तो उनके स्वागत में जन सैलाब उमड़ पड़ा। लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट और लखनऊ मध्य विधानसभा सीट के प्रत्याशी अरमान खान और रविदास मेहरोत्रा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए अखिलेश यादव के स्वागत में पुराने लखनऊ में जबरदस्त आतिशबाजी भी देखी गई। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा आज लखनऊ के अलग अलग जगह से निकल रही, कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव अपने रथ पर सवार होकर लगा जगह जा रहे हैं और जनता से अभिवादन ले रहे हैं, और साथ ही साथ अपने प्रत्याशी के संबंध में जनता से समर्थन मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि भारी मतों को उनको दे करके प्रत्याशी को विधानसभा। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नगर उपाध्यक्ष मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, 3 दिन बाद चुनाव है, क्या सबसे पहले देख रहे हैं? देखिए, चुनाव तो आपको ये माहौल देखने से पता ही लग रहा होगा, जिस तरह से उत्साह है नौजवानों में, तो ये बात की वानगी है कि 10 मार्च को हम पुनः उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी की रथ यात्रा जगह जगह पर जा रही, जगह जगह लोगों से अभिवादन वाली, कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, इसको रथ यात्रा तो नहीं करेंगे, तो जो रथ यात्रा थी वो हमारी कैंसिल हो गई थी। हमारे एक सीनियर नेता माननीय श्री अहमद हसन जी का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस यात्रा को कैंसिल कर दिया था, परंतु कार्यकर्ताओं का उत्साह को देखते हुए पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं से मिलने का प्रोग्राम बनाया है, और वो जगह जगह पर जाकर के कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर के अपनी बात रखेंगे, ताकि कार्यकर्ताओं का जोश बना रहे और इस जालिम सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत जल्दी 10 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश की उस सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पर बताया कि 10 मार्च यानी जिस दिन चुनाव का निर्णय होगा उस दिन अखिलेश यादव जी उस सियासत में बैठेंगे और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की विजय प्राप्त होगी। लखनऊ से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए हिमांशु गर्ग, लखनऊ। वहीं आगरा के मनसुख पुरवा क्षेत्र के ककरौली गांव में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के बीच झगड़े और लाठी डंडे चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। बता दें कि महिलाओं में कहासुनी को लेकर विवाद हुआ था, झगड़े को ग्रामीणों ने शांत कराया। वहीं इस घटना में दोनों पक्ष के लोग घायल हो गए और थाने में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दे दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।